पिछले लंबे समय से विवादों में चल रहा पठानकोट का हिंदू कोऑपरेटिव बैंक का आज एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। आज बैंक के 70 के करीब कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर चीफ मैनेजर के कैबिन में विरोध करना शुरू कर दिया। इस मौके पर कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें सोची समझी साजिश के तहत अपने घरों से कई किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। बैंक कर्मचारियों ने कहा है कि घाटे में चल रहे बैंक के दोषियों को पकड़ने की बजाय मेहनत से काम करने वाले कर्मचारियों को तंग परेशान किया जा रहा है। इस मौके पर महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कोरोना की महामारी के दौर में सरकार लोगों को अपने घरों में रहने की अपील कर रही है, वहीं हमारी बैंक मैनेजमेंट हमें अपने घरों से 200 से 250 किलोमीटर दूर भेज रही है। वहीं इस संबंध में बैंक के चीफ मैनेजर ने बताया है कि इस बैंक को घाटे से उभारने के लिए सरकार ने खर्चे कम करने को कहा है, इसलिए सरप्लस कर्मचारियों को दूसरे विभागों में डेपुटेशन पर भेजा जा रहा है। मंत्री साहब जिन्होंने घोटाले कितने पड़ोए जिन्होंने 10,000 तनखा हो गए फड़ो बहत्तर जो पहली लिस्ट बनाई मेरा नाम से नहीं सी कहते कि जो इस साल रिटायर होने परसन उन्होंने डेपुटेशन नहीं भेजा जाएगा, पर हूँ जी नवी लिस्ट वीकेंड चूज की मेरा मेरे सिर्फ 6 महीने रह गए मेरी मेरी रिटायरमेंट में 6 महीने इस मैं चुप के 300 किलोमीटर मुकतसर में जाकर भेजा गया अगर उत्थे जाकर नौकरी करो तो उतो रिटायर करा जबकि पहली लिस्ट में मेरा नाम किसी भी नहीं लिस्ट चेंज करके पिक एंड चूज की पॉलिसी करके प्रिफेयर किया क्योंकि अपने कुछ बंद कढ़ाए न जिन्होंने जिस बंद ना से कल उन्हें आके धमकियां दीतियां लिस्टा पाड़िया कोठे आके गाला कड़िया वो MLA का खास बंदा है तो उन्हें करके उन्होंने ना कटने करके कोई बंद ने फसा दी।
झूठ बोलते हैं। मंत्री साहब जो इतने आते हैं, ये चार जने मंत्री साहब अंदर बाढ़ के जो पॉलिसी दसते हैं उन्होंने जो मिसगाइड करते हैं, मंत्री साहब उदा समझ लेंगे कि सच है। सच ये है कि जो थले वाले बंदे हमेशा मेहनत करते हैं, इन्होंने जो टॉप लैवल के 15 बंदे जो मंत्री साहब मिलते हैं, इन्होंने ही गलत लोन किए थे अपने आप को बचाने वास्ते। मंत्री साहब जी पॉलिसियां दसते हैं सरासर गलत पॉलिसियां दसते हैं। मंत्री साहब साड़ी ड्यूटी ला देन, ये जो लीफो वाले बंदे हैं इन्हों 3 महीने दे देन बैंक चलाने वास्ते। जे मंत्री साहब एक चीज़ कह दें डीसी साहब एक चीज़ कार्रवाई करने वास्ते कि जो जो सही है वो जो फाइलों के लोन के जो भी कार्रवाई सही होंगी है जिन्होंने गलत लोन किए थे उन्होंने टर्मीनेट कर दिया जाए। जे 15-20 जने टर्मीनेट हो जाते इन्होंने इन्नी दूर भेजने की लड़ है, बैंक के अपने आप ठीक हो जाता। यह सही ट्रैक से मंत्री साहब लैक नहीं जाते, ये सीओ साहब गलत दसते हैं कि भर्ती वादों की भर्ती वादों की भर्ती वादों की इन्हों कि होर भेजी है कितने होर भेजी है, यह सरासर झूठ है। तो 15 जने टॉप लैवल से वो पढ़ते हो जिन्होंने गलत लोन किए थे। जोशी साहब का लोन क्यों नहीं अब तक इन्होंने फड़िया जाए, क्यों? क्योंकि ये आप गलत है। ये 15 जने मैनेजर जिन्हें भी है हरारकी बनती है उपर तो लैके थले तक उन्होंने बचाने वास्ते चले, इन्हों को पैसे है ये कोर्ट से चल जाते हैं, गरीब बंदे को पैसे नहीं है। गुप्ता जी का परचा होता हजे तक बढ़िया नहीं गया, वो सीएम की वाइफ के खाते चो 27 लाख रुपया कटिया गया ही, तो वह दोवह दिनों के पुलिस ने बंदा फड़ लिया। ये बंदा क्यों नहीं फड़िया गया पुलिस को 2 साल के 2 साल हो गया जी, 2 साल के बंदा नहीं फड़िया गया। लोन पास लोन वाले पास ये जाते नहीं है जिन्होंने गलत लोन किए उधरले पास ये जाते नहीं है। ये मंत्री साहब इतने आकर मिसगाइड करते कि भर्ती ज्यादा भी बंदे भेजो, मंत्री साहब आते हैं चार बंद मिल लेंगे साढ़े थले वाले बंद मिलते नहीं है, ज्यादा आन साड़िया भी गल्ला सुनने इतने आ गए अं मंत्री साहब अप्रोच करिए अं कि करिए अप्रोच कि मिली है मंत्री साहब ये बहु कुंडी ला लेंगे कि मंत्री साहब अंदर कहते नहीं आना। तो मेरी ये बेनती है मंत्री साहब अगे MLA साहब अगे बेनती है कि 3 महीने का टाइम सानू दे दिता जाए, लोनों की फाइलों अं चेक करावे जिन्होंने गलत लोन किए थे, कार्रवाई तुम्हें करानी है क्योंकि प्रशासन तुहाडा है, तुम्हें कार्रवाई करानी है। जिनी जल्दी जिनी 2 दिन के डेपोटेशन की फाइल तैयार हो गई है उन्हें 2 दिन के जे वो परचे के एक्शन होए होंगे तो बैंक ठीक ना हो गया होंगे। बैंक 2 साल के परचे हो गए भी इंक्वायरी हो गए भी लोनों के कारपोरेट नहीं फड़े गए जिन्होंने गलत लोन किए थे, 2 दिन की डेपोटेशन की कार्रवाई होगी तो अं तो ठीक है, अं तो जाना नहीं सू भावे इतने कट दौ अं बाहर दरी ला के बह जाना तो अं दरी ला के बह जाना सू कट दौ इतों की टर्मीनेट कर दौ भावे कर दो डिजाइन ले लो। ये मैडम बैठिया उन्होंने जहर दे दो 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 न्याणे है ये 300-300 किलोमीटर जाएंगे 15-15 हज़ार तनखा दे फड़े नहीं जाते। सर ऐसा 25 मार्च 2019 को बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ने ड्यू टू हैवी लॉसेस डायरेक्शन इम्पोज की थी, उसको लिफ्ट करने के लिए रिजर्व बैंक बार बार बोल रहा है कि आपकी स्टाफ जो एक्सपेंस है वो कम करो, तो कम करने के लिए यहाँ तो हमारे पास रिट्रेंचमेंट का भी है जिससे नौकरी जाती है, और अदरवाइज़ हमने स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी कि हमारा कोई सोल्यूशन दो, हमें डेपुटेशन पे भेजो हमारे आदमी ताकि उनकी नौकरी बची रहे। उन्होंने रजिस्टर प्रॉपर्टी सोसाइटी पंजाब श्री विकास गर्ग जी उनकी देखरेख में अब बैंक का रिवाइवल का काम चल रहा है, उन्होंने ये ऑर्डर्स भेजे हैं जहाँ जहाँ उन्हें रिक्वायरमेंट थी स्टाफ की उन्होंने वहाँ के ऑर्डर किए, लेकिन स्टाफ यहाँ से डिसलोकेट हो रहा है, मोर ओवर कोरोना टाइम चल रहा है इसलिए उनकी दिक्कतें जेन्युइन है बिल्कुल। इसका कोई और सोल्यूशन अगर हो तो अथॉरिटीज़ के साथ हमारी बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका रबता हायर अथॉरिटीज़ के साथ करवाया जाए ताकि वो जो निर्णय इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंक है वो ले सकें और उसको अकॉर्डिंगली हम एग्जीक्यूट कर पाए। सर ऐसा कि रजिस्टर प्रॉपर्टी सोसाइटी पंजाब श्री विकासकर जी ने हमारे से डाटा मांगा HRD का कि जो लेट जिसकी इंडक्शन हुई है बैंक में लिफो बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन हमने उन्हें भेजी है, तो उसके बाद उन्होंने उसका जो भी संज्ञान लिया और ऑर्डर्स किए हैं वो प्योरली ऑन मेरिट्स हुए हैं, ट्रांसपेरेंट वे में हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती। सर लोन के बारे में सर कुछ बोला जा रहा था अंदर, लोन के बारे में रहा कि अभी रिकवरी नहीं आ पा रही, रिकवरी रुकी हुई है, जिन्होंने एडवांस किए थे पुराने जब लोन किए थे उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन का प्रेरोगेटिव तो स्टेट गवर्नमेंट का है, रेगुलेटर का है, वो जब देखेंगे कैसे करानी कब करानी किससे करवानी है, हमारे पास तो रिकॉर्ड की अवेलेबिलिटी है, हम रिकॉर्ड प्रोवाइड कर देंगे, जब भी कोई इंस्पेक्शन करने आएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड जो होगा वो सामने आ जाएगा, तथ्य जो होंगे सामने आ जाएंगे। The child deserves. We have well-equipped labs for science and computer.
also well-equipped library for cultivating reading habits among the learners. Affordable fee structure and scholarships. Conveyance also available. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot. Feel free to call us on 70875-36789. 70875-46789. वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।